जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो शेर विराजमान हैं गेट पे और यहाँ पर आप प्रसाद की सामग्री चढ़ावा की शावर के ले सकते हैं आप यहाँ से। तो अब चलिए अंदर चलते हैं और सब पे एंट्री करते ही सामने ये देखिए प्रभु की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। जय श्री कृष्ण राधे राधे और साथ में है जय श्री हनुमान जी महाराज। और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो भी दान देना है आपको दान पात्रों में ही डालें। ये देखिए दैनिक मंदिर में दैनिक सेवा के लिए 150 रुपये का प्रतिमा आप सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं मंदिर में। जगन्नाथ टेंपल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं जगन्नाथ टेंपल पहुंच चुका हूं। ये रोहिणी में स्थित है और इस्कॉन टेंपल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं। एंट्री करते ही सीधे हाथ पर यहाँ पर हवन चल रहा था तो कल ही ख़त्म हुआ है दोस्तों। हमारी बदनसीबी है थोड़ी सी के दिखाता हूँ मैं आपको। जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राधे राधे। तो देखिए बहुत ही सुंदर अति सुंदर। तो पहले ये मंदिर का परिसर ये छोटा सा परिसर हुआ करता था। अब ये विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है तो मैं ये भी दिखाऊंगा। पहले मैं इसके अंदर चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री बालाजी महाराज की जय जय। जय श्री राधे राधे। में अंदर प्रवेश करते ही कुछ ऐसा माहौल है अंदर देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दीनदयाल विरद संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। जय श्री कृष्ण। ये देखिए सामने मंदिर दर्शन के लिए दोस्तों ऊपर जाएंगे आप। यहाँ पे 150 रुपए का काउंटर स्लिप कटवा सकते हैं। सेवा के लिए प्रतिदिन 150 रुपए की सेवा होती है। मंदिर में अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। ऊपर मंदिर का मेन परिसर है गर्भगृह। ये देखिए भक्त पद दर्शन करके आ रहे हैं। जय श्री राधे राधे। और सीढ़ियों से कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये देखिए मंदिर का कुछ इतना सुंदर भव्य रूप सामने आने वाला है दोस्तों। ये देखिए श्री राधे राधे। और मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले भोले शंकर विराजमान हैं नंदी बाबा जी के साथ। ये देखिए एक भक्त अभी चल चढ़ा के आए हैं। जय श्री राधे राधे। जय श्री भगवान के सामने विराजमान है माता रानी लक्ष्मी माता जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने देखिए विराजमान है लक्ष्मी माता रानी। जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय। ये देखिए माता रानी विराजमान है। जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ जय माँ अष्टलक्ष्मी माँ। देखिए मंदिर अंदर से कितना ही सुंदर बनाया हुआ है छोटा सा मंदिर। ये देखिए पुष्प पर विराजमान है।
जय माता दी, जय माँ, जय माँ लक्ष्मी। कृपा करें। हो ये देखिए साथ में गेट पर ये दो विराजमान हैं, और नकाशी देखिए, मंदिर की नकाशी दोस्तों कितनी सुंदर नकाशी की हुई है पूरे मंदिर पर। और ये छोटे छोटे अन्य देवी देवताओं के चित्र भी बनाए हुए हैं मंदिर के दीवारों पर, और नकाशी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। माता जी के बगल में है ये भुवनेश्वरी माता जी का मंदिर, जो कि मैं अब आपको दिखाने के जा रहा हूँ। ये देखिए भुवनेश्वरी माता, भुवनेश्वरी माता जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए मंदिर की शोभा, देखिए छोटी छोटी देवी देवताओं के नृत्य करते हुए। ये देखिए मोर, और ये देखिए नरसिंह अवतार अपने भव्य रूप में। जय श्री नरसिंह अवतार जी की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है दोस्तों। मैं फिलहाल आपसे बाहर से दिखा रहा हूँ मंदिर। ये देखिए और ये देखिए ऊपर शेर की मूर्ति, कितनी विशाल मूर्ति है जी। के बाद में आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं समलेश्वरी माता। ये देखिए ये समलेश्वरी माता जी हैं। ये समलेश्वरी माता जी की जय हो। और ये देखिए ऊपर बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। चारों तरफ मंदिर के शेर की आकृतियां बनी हुई, चित्र बने हुए हैं। और ये है वराह भगवान, जो पृथ्वी को नीचे पातल में से ऊपर लेकर के आए थे। और साथ में पूरे मंदिर पे देखिए दोस्तों छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। वो बिमला माता जी का मंदिर, यहाँ पे बिमला माता जी विराजमान हैं। ये छोटी छोटी दो मूर्तियां हैं, एक बार बताने गए बिमला माता जी की। ये देखिए दोस्तों कितना ही सुंदर मूर्ति है। माता रानी की साड़ी, वस्त्र, आभूषण जो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सामने देखिए दो बोर विराजमान हैं, और ऊपर छत कितनी प्यारी सजाई हुई है दोस्तों। मंदिर में बहुत सफाई है, आपसे गुजारिश है कि मंदिर में गंदगी ना करें आकर के। मैं दिखाता हूं आपको राम अवतार जी विराजमान हैं अपने पूरे परिवार सहित। जय श्री राम, 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 जय माता सीता माता। और जय लक्ष्मण भैया जी, दर्शन कीजिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी मूर्तियां हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। साथ में हनुमान जी विराजमान हैं। ये सूर्य देव के चक्र है, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सूर्यवंशी है। आपको बहुत इंतजार होगा वीडियो में। अब मैं मेन परिसर में चलता हूँ, गर्भगृह के अंदर। यहाँ पर तीनों बहन भाई विराजमान हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ में विराजमान हैं। तो अब दर्शन कराता हूँ, तैयार हो जाइए दोस्तों। Oh.
देखिए दोस्तों, सामने विराजमान है मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान अपने बलराम दाऊ जी के साथ में और बहन सुभद्रा के साथ में। ये देखिए दोस्तों, मंदिर सुंदर है, बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों। प्रवेश करते ही गणेश जी हैं सामने विराजमान। श्री गणेशाय नमः, जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री कृष्ण। हनुमान जी हैं, दर्शन कीजिए दोस्तों। कहाँ से आए सर आप? पॉकेट 14 से। पॉकेट 14 सेक्टर 24 रोहिणी। ओके, रोहिणी। तो ये रोहिणी में ही मंदिर पड़ता है? रोहिणी में पड़ता। कितना है? पुराना मंदिर है भाऊ जी? काफी पुराना है, लेकिन हमने अभी काफी टाइम से आ रहे हैं। अच्छा, काफी टाइम से यहाँ पर उनकी शरण में आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए। तो आप रेगुलर आते हैं यहाँ पे? मंदिर की कुछ मान्यता के बारे में बताएंगे? वैसे तो कृष्ण भगवान की तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कहेंगे वैसे ही मान्यता क्या है सब इनको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे क्या मांगना है, क्या कहना है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश पारीक है। हरीश जी, ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैम? हस्बैंड वाइफ हैं ये, बहुत ये अच्छे हैं है? अच्छा ये है। मैंने इसकी पहले ही ले ली है और वीडियो में आएगी जरूर। तो ये छोटा सा बच्चा है, यही लेके आते हैं श्री कृष्ण भगवान जी के पास, यही छोटे काना रूप में लेके आते हैं इनको। यही लेके आता है जी, बिल्कुल नहाने के साथ में। अच्छा, हाथ ऊपर कर लेगा, चलो चलिए, उन्हीं की देन है जी। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण जी। कृष्ण पंडित जी, जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो सेक्टर रोहिणी में स्थित है 24 सेक्टर में, उसके बारे में पंडित जी हमें कुछ जानकारी देंगे मंदिर के बारे में। पंडित जी, फिर हमारा यहाँ पे भूमि पूजन 2011 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद मंदिर का कार्य चालू रहा, भगवान जी अस्थाई रूप में थे साइड में, जो छोटा सा मंदिर बना हुआ था वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, 2023 में मंदिर कार्य पूरा हुआ। अच्छा, 2023 फरवरी में उद्घाटन हुआ। अच्छा, 2023 में फरवरी में उद्घाटन हुआ है इस मंदिर का, यहाँ पर इनको स्थापित किया है भगवान जी को। ठीक है, जो मिसाल का त्यौहार भगवान जी का, जैसे क्षेत्रवार पर रथ यात्रा, यहाँ रथ यात्रा भी निकलती है पूरी की तरह। हाँ। अच्छा, बाकी जैसे भी पूरी में, जैसे बारह महीने में 13 त्यौहार बनते, 12 महीने में 13 त्यौहार बनते हैं इसी मंदिर में, जैसे पुरी में बनते हैं। अच्छा जी, वही हम लोग जैसे पूरा तो नहीं कर पाते हैं, फिर भी कुछ त्यौहार तो करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। 2010 से बनना चालू हुआ था और काफ़ी लंबा टाइम लगा इसे बनने में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। कृपा करें हमारा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और भगवान से, प्रभु से भी दुआ कीजिए।